हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा, जो हमारा टॉपिक अभी रनिंग है करंट, वो है डेरिवेटिव्स। ठीक, और डेरिवेटिव्स में मैंने आपको एक्सप्लेन जो अभी तक किया है वो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेशन, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था, और यू इंटू वी और यू अपॉन वी वाले जो फॉर्मूले थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आज का है, वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Derivatives of trigonometric functions। ठीक है बेटा, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो छह फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉस सिकेंट थीटा, उन्हीं के डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला है, मैं पहले फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज गिवन बाय कॉस एक्स, फिजिक्स में आपने यूज भी किया है इसे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के बाद आता है कॉस एक्स, जो होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। Then comes dy dx of tangent x, ये होता है बेटा secant square x, dy dx of tan के बाद cot x, इसको हम बोलते हैं, इसका formula होता है minus cosecant square x, then dy dx of secant x, which is the product of secant x and tan x, and the last d by dx of cosecant x, negative product of cosecant x and cot x। ये हैं छह फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, ओके, अब मैं आपको इनमें से एक दो फॉर्मूले के प्रूफ आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ तो है ही है, वो क्वेश्चन भी, एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। तो उसको करने का तरीका जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल वही होगा जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स वो एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से प्रूफ किया जाता है, क्यों ऐसा ही आता है। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको एक टेन एक्स का और प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो पहले हम साइन एक्स का फॉर्मूला चेक करते हैं, जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हम देखिए, हमें डी बाई डी एक्स को फाइंड करना है साइन एक्स का, तो प्रूव दैट क्वेश्चन, मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक, नाउ गिवन क्या है बेटा, हमें फंक्शन एफ एक्स जिसकी वैल्यू क्या है बच्चों, साइन एक्स। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स, ये तो है फॉर्मूला, इज गिवन बाय लिमिट एक्स नहीं एच, एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। ठीक है, सो इट बिकम्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच मीन्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और होल अपॉन बेटा एच, ये हो गया है फॉर्मूला, करेक्ट, ये मैं फॉर्मूला लिख दिया। नाउ ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी, जो मैं इधर लिख रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी गिवन बाय टू साइन, देखिए साइन सी और साइन डी है तो इसमें साइन नहीं पहले कॉस का टर्म आता है, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन दोनों एंगल्स के डिफरेंस, ये फॉर्मूला बेटा हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इसमें न्यूमेरेटर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, टू कॉस दोनों एंगल्स के सम एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाय टू,
और साइन बच्चों दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन और होल अपॉन बेटा एच, और हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो गिवन है उसको तो हम भूल नहीं गए, तो ये हमने लिख दिया है राइट। अब ये क्या बच गया देखिए, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स और एक्स टू एक्स अपॉन टू, तो केवल एक्स प्लस एच बाई टू सेपरेट कर लिया ऐसे इनको, और यहाँ एक्स से एक्स बेटा कैंसिल तो एच बाई टू साइन एच बाई टू होल अपॉन में बच्चों एच, और ये टू है तो ये अपॉन में टू भी तो लिख सकते हैं इसको ऐसे करके लिख सकते हैं राइट। ये ऐसा कर लो टू से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, टू से टू कैंसिल हो चुका है। अब देखिए फॉर्मूला बन गया साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू वन, क्योंकि लिमिट एच जीरो है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, ये फॉर्मूला हो गया, और साथ में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस करेक्ट ये बेटा हो गया वन इंटू, यहां जैसी एच जीरो रखोगे तो कॉस एक्स आ गया, तो हमें आंसर क्या मिल गया कॉस एक्स। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं जो फॉर्मूला बना रहा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो गया ठीक है। मैं आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज आपको यही एक्सप्लेन करूंगा ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स आ गया, और यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला यूज हुआ था तो वो फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर वन ठीक है। जो भी फॉर्मूला यूज होता है इस तरह से जरूर लिखा दीजिए ताकि आपको याद रहे फॉर्मूले। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने प्रूव कर लिया, प्रूव करना अगर आता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल अंडरस्टूड है उसी से ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे ठीक है। तो ये हो गया है इसका फॉर्मूला प्रूव ठीक। अब सेम आप कॉस एक्स का फाइंड आउट कर सकते हो, टेन एक्स का करना है वो मैं बताने वाला हूँ अभी, टेन का हो जाएगा तो फिर कॉट जस्ट उसका रेसिप्रोकल ही होता है उससे किया जा सकता है ठीक, बाकी किए जा सकते हैं। मेन आपको ये दो जरूर पता होने चाहिए साइन एक्स और कॉस एक्स का किस तरह से फाइंड आउट किया जाए डेरिवेटिव, वो है ये तरीका ओके। बाकी टेन और कॉट के लिए तो बहुत ईजी है, बाकी सभी आसान है, बस ये दो ध्यान रखने जरूरी होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट में आपको बताने वाले हूँ साइन एक्स के बाद में टेन एक्स का, मैं टेन एक्स के दोनों मेथड से आपको बताऊंगा, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन से दो मेथड ठीक। ओके बेटा प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेकेंट स्क्वायर एक्स बाय, पहला मैं बता रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से ठीक। तो फिर से वही गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स का फंक्शन टेन एक्स नाउ ठीक है, एफ डैश एक्स इज गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और होल अपॉन बच्चों एच ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स और होल अपॉन में इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए टेन के लिए मुझे कोई फॉर्मूला ऐसा मालूम नहीं टेन सी माइनस टेन डी, तो हम इसको साइन अपॉन कॉस में लिख लेंगे सबसे पहले, तो ये बन जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स इस तरह से, और जो एच आ रहा है उसको वन बाय एच करके ऐसे लिख देते हैं ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब लिमिट एच जीरो है वन बाई एच, क्या करूं मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स करेक्ट ठीक है, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट तो कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच के साथ माइनस साइन एक्स के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ा मुझे ठीक। तो क्या हो गया वो लिमिट
h tends to 0 1 by h upon में LCM वाला जो टर्म है cos x plus h into cos x, और न्यूमरेटर ध्यान से देखो, अगर आप इस एंगल को a मान लिया जाए तो sin a cos b minus cos a sin b लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला होता है sin a minus b का, यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ, sin a minus b is equals to sin a cos b minus cos a into sin b. तो ये फॉर्मूला देखिए, एंगल ए बी ए बी, करेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया, एक्स एक्स बच्चों कैंसिल तो साइन एच बन गया ये, तो ठीक है इसको हम क्या लिख देंगे, साइन एच अपॉन में एच फॉर्मूला होता है जो, और बचे हुए टर्म के लिए भी लिमिट डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसके लिए, सो वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, करेक्ट ये वन हो गया, यहाँ वन अपॉन cos x into cos x, क्यों, क्योंकि h जीरो कर लेंगे हम, तो cos x into cos x cos square x, जो न्यूमरेटर में आते ही क्या बन जाएगा secant square x. तो ये है डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x by using first principle. तो first principle का मेथड है बच्चों ये, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक तरीका मैंने ये बता दिया, दूसरा तरीका होता है by quotient rule बोलते हैं, तो वो और मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इसके जस्ट बाद में. ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव tan x इज secant square x बाय कोशेंट रूल. कोशेंट रूल कौन सा होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, u अपॉन v वाला डेरिवेटिव का तरीका जो मैंने कल आपको लिखवाया भी था. ठीक, तो नाउ सॉल्यूशन जब हम करते हैं, सो वी नो दैट d बाय dx ऑफ u अपॉन v इज गिवन बाय, बेटा जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव. ठीक है, v du by dx minus u dv by dx upon v square, u और v ये. Now tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, d by dx of tan x means d by dx of tan को quotient में बदलना है, मतलब u upon v में, that is sin x upon cos x, correct? Formula use करेंगे, तो जो अपॉन है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बेटा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है माइनस साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे अब, कॉस एक्स का. ठीक, ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और होल अपॉन बच्चों cos square x. ये बहुत जल्दी हो गया ना, कितना आ गया, cos into cos, cos square x माइनस और माइनस प्लस sin square x, और होल अपॉन में है cos square x. ठीक, जो फॉर्मूला यूज हुए वो यहां बताओ, d by dx of sin x is equals to cos x and d by dx of cos x is equals to minus sin x. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुए, न्यूमरेटर क्या आ गया देखिए, sin square x plus cos square x, सभी को याद है वन होता है, तो ये वन हो गया, मतलब कितना हो गया बेटा secant square x. तो यही फॉर्मूला है d by dx of tan x equals to secant square x. मैंने क्या बताया था कि साइन कॉस की याद होना जरूरी, फिर हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं. तो ये कोशेंट रूल से किया, पहले मैंने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया, दोनों ही तरीके आ सकते हैं. कोशेंट रूल अगर होगा तो हमेशा बता दिया जाएगा बाय यूजिंग कोशेंट रूल, मतलब यू अपॉन वी आपको याद होना चाहिए. ठीक है,
कॉट के लिए करना है तो कॉस अपॉन साइन कर सकते हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिकेंट का करना है वन अपॉन कॉस लिख दीजिए, यू अपॉन वी अगेन अप्लाई हो जाएगा, और कॉस एक का करना है वन अपॉन साइन लिख दीजिए, फिर से हो जाएगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन टू से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गए मेथड। जो बची हुए फॉर्मूले मैंने नहीं बताया, जैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने प्रूफ नहीं करवाया है, टेन का मैंने करवा दिया, कॉट कॉस, इनके जो बचे हुए हैं ना चार फंक्शंस, कॉट एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स और सिकेंट एक्स, ये चारों आपको प्रूफ करके देखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी उसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, उसमें है फर्स्ट प्रिंसिपल की भी हेल्प से और क्वेश्चन रूल से भी होंगे, तो हम दोनों ही मेथड सीखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें, और 7-8 क्वेश्चन है, एलिमेंट्स वाले बुक्स भी करवाऊंगा मैं, लास्ट एक्सरसाइज 13.10, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, ओके। तो आप प्रूफ करके जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।